गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और सुबह का बज रहे हैं 6। मैं उठ गया था आज तो 4 बजे उठ गया था, और अभी उठा है कौन? मीत। तो गाइस मीत अभी उठ गया है और ये सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है क्योंकि ये छोटा है। अभी कहाँ पे जा रहे हो? अभी मीत की दौड़ लगवा देते हैं। आज जाना है खेत में, खेत से थोड़े से कपास के फूल तोड़ के लाने। पांच उधर और 3 उधर, मतलब समझा नहीं मैं। मीत कह रहा है गाइस कि 5 उधर 3 इधर। कम ऑन गाइस, फॉलो मी। 4 मेरे पीछे आओ, 2 इधर जाओ, 2 इधर जाओ। मीत से दौड़ा नहीं जाता है, फिर भी दौड़ रहा है। और यहाँ मैं पंप से हवा भर रहा हूँ साइकिल में, और मम्मी पापा आएंगे स्कूटी से, मैं जाऊंगा साइकिल से। मीत देखो पीछे से कैसे देख रहा है। मम्मी और पापा जा रहे हैं स्कूटी पे, खेत में पहुंचने वाले हैं बस, और मैं अपनी साइकिल से। ये कपास के फूल है, इनमें से कपास निकालेंगे हम लोग। सूरज दादा आ गए सामने, देख लो कितनी अच्छी लाली छा रखी है ना। नहीं ले फिर हम लोग कपास के फूल तोड़ लाए हैं, और ये साइकिल पे हमने रख रखी है आगे एक पोट, और पीछे बैठा है मीत। मेरे को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मेरे को पता नहीं है। और यहाँ आगे रख रखी है ये पोट। खेत में भीग रहा था और सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो ये हड़के सी इसके खांसी जुकाम हो रहा था। मैंने बोला मैं ले जाऊंगा, कंसंट्रेट करते हैं अपने ड्राइव करने पे साइकिल को। जब ये टाइम 9:45 का हो गया और हम लोग घर पे भी आ गए। यहाँ मम्मी कपास के फूल निकाल रही है, मतलब कपास को अलग कर रही है इसमें से निकाल के। और अभी मीत का एक दोस्त आया आज, नया दोस्त, ये देखो दो। तो ये जो लड़का है ये अभी पेरेंट्स मीटिंग में से आया है। इसका नाम नहीं पता मेरे को क्या। रोड पे नहीं जाना, रोड ओए देख ले रोड पे जा रहे हो। मीत रोड पे नहीं जाना बेटा। तो चलो मीत से ही कहते हैं, मतलब मीत से ही पूछते कौन है ये, कहाँ से आया है, तो मीत क्या बताता है, तो चलिए इनसे ही पूछते हैं। तो मतलब ये लड़का क्या है, हमारे खेत में टावर लग रहा है, तो उसका जो सुपरवाइजर है उसका बच्चा है, तो पेरेंट्स मीटिंग से वो सीधा यहीं लिया है। मीत के साथ थोड़ी देर खेल भी लेगा। ये देखो दोनों पीछे लग रहे हैं, वो धक्का दे रहा है, ये बच्चों से बहुत प्यार करता है मीत। रुको रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। ओ ओ कहाँ घुसा दी, देख देख बेटा, रुको दोनों रुक जाओ यहीं, स्टॉप। हाँ क्या नाम है आपका? आपका मीत। कितने साल के हो आप? 2-4 के। आप लड़की हो? मैं जोरा। क्या बात कर रहे हो, आपकी मम्मी का क्या नाम है? अंजू। अब आपकी मम्मी का क्या नाम है? श्वेता। रितु। ओ घंटी भी बजती है आपकी साइकिल की तो यार। इसकी मम्मी। नहीं आप इसकी मम्मी नहीं हो, आप इसके दोस्त हो। शोर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आवाज, फिर करोगे? नहीं। फिर करोगे? नहीं। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी कल, तो मैं उनको डॉक्टर के दिखा के आया था, तो अभी उनकी रिपोर्ट कराई थी, मतलब जांच कराई थी। वो जांच लेने के लिए जा रहा था तो ये स्कूटी खराब हो गई, मतलब इसने भी मेरे नाक में दम कर रखा, इसमें ये ऑयल छोड़ रही है, तो इसमें काम कराना था, वो लेके जाना था मिस्त्री के, तो ये यहीं पे खराब हो गई। अब इसको मैं कर रहा हूँ ठीक, और मीत यहाँ खड़ा खड़ा मेरे को परेशान और कर रहा है। तो ये स्कूटी पैदल पैदल 5 किलोमीटर लेके जानी पड़ेगी मिस्त्री के पास, और ये मेरा तीसरा चांस है, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 11:15 का टाइम हो गया है यार। ये परेशानियाँ है ना, मतलब आती रहती है, मेरे साथ नहीं सभी के साथ होती है, मेरे थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा हो गया। अगर मैं टाइम से इसमें काम करा लेता तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को पता नहीं था, वो मिस्त्री भी पागल ही है जिसने मेरे को बताया, बोला आके अब चला लो चाहे चलाओ 6 महीने तक, ये नहीं चली 2 दिन भी। मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी डॉक्टर साहब के रूम में हूँ, यहाँ देख लो चेयर खाली है, डॉक्टर साहब है ही नहीं यहाँ पे, और ये मैंने पर्ची ले रखी है, ये जाँच करवा ली है, तो डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे है नहीं, देखते हैं कितनी देर में आएगा। बाहर जितने भी सब है सब वेट कर रहे हैं, मैं अंदर बैठा हूँ।
तो गाइज अभी ये दवाइयाँ लेके मैं चलता हूँ, डॉक्टर साहब भी आ गए थे, दिखा लिया मैंने उनको, तो अभी फटाफट से चल के मैं मम्मी को घर जाके दवाइयाँ दे देता हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 5 और मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर मैच खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, फिर उसके बाद आज रामलीला देखने भी जाऊँगा मैं, तो अपना मित्र तेजपाल भी आ रहा है, तो उसको वो 7:30-8 बजे तक आ जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे रामलीला देखने। स्कूटी में मतलब धुआं देती है, मैं दिखाऊँ एक बार, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ये धुआं दे रही है, कितना ज्यादा धुआं दे रही है, इसको भी जल्दी से ठीक करा लेंगे अपन, बहुत ज्यादा धुआं दे रही है। देखो रामलीला नंबर 2, दूसरी रामलीला, इसके बाद जाएंगे तीसरी में, कहता हूँ सीन, बचपन की याद आ गया आज, पर्दा डाल रखा था, मेरी आवाज आनी चाहिए पहले, प्रॉपर बात तो ये है, यहाँ भी पर्दा डाल रखा था और अब है एक माता का जागरण है भाई, मूंगफली ले रहा है कि मूंगफली खाते हुए चल रहा है, तो अब जाएंगे माता का जागरण और दिखाते हैं फिर तीसरी रामलीला। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जागरण के पास, जागरण देखो बाबा, शुरू ना हुए अभी, ना हुए अभी, कितना बजे हुए, टाइम लगेगा अभी, अभी तो टाइम लगेगा भैया, अगला है गुरु जी, तैयारी हो गई, अभी तैयारियां चल रही है बस, अभी कुछ ही देर में अभी टाइम का शुरू होने वाला है माता का जागरण, बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम होगा आज। अभी ये देख लो ये जागरण है माता का, चलो मैं आपको दरबार दिखाता हूँ एक बार, ये भाई साहब बैंड वाले बहुत बढ़िया बैंड बजाते हैं, ये भाई ये झांझ बजाएंगे ये वाला, है ना, नहीं झांझ बोलते हैं, हाँ दर्शन पड़ भाई, मतलब 3 बजे तक, नहीं पता नहीं कितने बजे तक, अभी तो टाइम कितना हो गया, कितना हो गया अंकल जी, 9:45 हो गए, ये अंकल जी यहाँ पे सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ जागरण है और वो शुरू होने वाला है, ये अंकल जी अपनी ड्यूटी प्रॉपर रखते हैं क्योंकि मैं घूमता हुआ ना देखता हूँ उनको, क्या नाम अंकल जी अपना, पूर्ण सिंह, बहुत से रिटायर है ना आपको, एक्समैन, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पीछे जागरण है और अब तीसरी रामलीला में चलते हैं, तीसरी रामलीला देखते हैं वहाँ जाके, यार पहले गाँव से इकट्ठे होकर आते थे भाई 20-25 जने लेडीज वगैरह सब ना, और अब तो हम 2 मित्र 4 मित्र 5 हो गए, कोई है ही नहीं, कोई बेचारा इकल्ला ही बैठा खील खाते खाते रामलीला देख रहा टाइम, अब पहले वाली बात नहीं है यार, है ना, क्योंकि हम सब भाई सब अपनी लाइफ में जी, सब बिजी हो गए यार, ये बात तो देखा यार, वक्त है ना बहुत जल्दी बदलता है, और वो एक कहावत है, चलो मैं आपको एक कहावत बताता हूँ, चल छोड़ो यार की बता चलो छोड़ो यार क्या बताऊँ मैं आपको, तीसरी रामलीला और छोटा सा क्षेत्र हमारा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटे क्षेत्र में 3-3 रामलीला, आ जा भैया, एक बात तो है जैसे कि अभी हम लोग ये देखो मूंगफली है ना, पहले तो चलो बात बताता हूँ कि मूंगफली हमने ली वहाँ से 20 रुपए की, वो खाते खाते हमने पहुँच गए इधर, यहाँ आते आते हमारी ख़त्म हो गई थी तीसरी रामलीला में, और तीसरी रामलीला से हमने 20 रुपए की फिर से ले लिया, और अब इसको खाते खाते पहुँच जाएंगे हम अपने व्हीकल तक, हवेली तक, मतलब वहाँ हमारे व्हीकल्स खड़े हैं, तेजू भाई अपने घर चले जाएंगे और मैं अपने घर चला जाऊँगा, उसी इकट्ठे होकर आया करते थे 20 जने 15 जने, तो वो वाली बात, वो वाले मज़े नहीं है, वो मज़े नहीं है, अभी मतलब कि अब जो बच्चे छोटे हैं ना उनके लिए ये जीवन, अब ये देखो रामलीला वहाँ पे बढ़ रही है, ये भाई साहब रस्ते में बैठे, भाई साहब मुंबई साहब रामलीला देखने जा रहा हूँ, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बताऊँ मैं आपको, तो गाइस रात के बज चुके हैं 10:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो पापा का भी अभी जस्ट फोन आ लिया, बोला भाई आया नहीं अभी तक, तो चलो घर चलते हैं, आ गए हैं जी फिर उजाड़े में एक बार आपके सामने,
और प्रस्तुत करते हैं ये रामलीला आप लोगों के लिए। सीता चिरोहरमोनी है तो गाइस आज सीता का हरण होगा मात्र 5 मिनट में, 5 मिनट में सारा खेल खत्म। बने रही है हमारे साथ एंड तक। आज चुरवा के जाएंगे, थोड़ा फन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर जाएंगे, रात के 10:30 बज चुके हैं, पापा का भी फोन आ चुका है, तो अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।